हेलो एवरीवन, सौरभ शर्मा दिस साइड। आई होप कि आप बहुत अच्छे हो गए। आपने पिछले वीडियोस पे बहुत सारा प्यार बरसाया था, उसके थैंक यू। आज की इस वीडियो का टॉपिक है, एक्चुअली टॉपिक नहीं, स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है, जो कि आपको इतना इंस्पायर कर देने, आप जिस भी स्टेज पर हो अपनी लाइफ में, चाहे आप फेलियर फेस कर रहे हो, चाहे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, चाहे आप सोच नहीं पा रहे मुझे क्या करना है, एनी प्रॉब्लम, इस स्टोरी को सुनने के बाद आपकी वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इट्स माई गारंटी टू यू। अगर आप इस पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनते तो आपको समझ आ जाएगी व्हाट इज एक्चुअल लाइफ। और जब आप लाइफ को समझ गए, जब आप रियलिटी को समझ गए, तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। तो चलो हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नहीं है, रियलिटी है, तो इसको मैं रियलिटी के बेसिस बनाता हूँ। जैसे आपको बताया कि ये शार्क होती है, छोटी मछली को खा जाती है, ठीक है, सबको बताया। तो ये साइंटिस्ट ने सोचा कि शार्क और मछलियों पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए छोटा सा। अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट पहली बार किया तो किसी ने सोचा नहीं था कि साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और इतना बड़ा रिजल्ट दुनिया को दे सकते हैं। अब क्या रिजल्ट मिला वो आपको पता लगेगा। साइंटिस्ट ने सोची कि यार, जैसे आपको बताया कि हम शार्क को लेते हैं और एक छोटी मछली, शार्क छोटी मछली को खा जाती है बहुत आराम से, दो शार्क ली और चार मछलियाँ ली। अब वो एक जार लिया पानी का, उसे पानी भर दिया, उसमें शार्क को रख दिया, उसमें चार मछलियों को रख दिया। अब उसने देखा, साइंटिस्ट ने बड़ा ध्यान से देखा क्या चीज़ होने वाली है। क्या चीज़ हुई, शार्क चार मछलियों के पास गई, उन्होंने उन्हें खा लिया, कब कर लिया। साइंटिस्ट देखे, अब साइंटिस्ट ने सोचा कि दोबारा करके देखते हैं, क्या पता एक शार्क ना खाए इसे। तो साइंटिस्ट ने फिर से वही करा कि दो शार्क को दोबारा लाए, दो नई शार्क को दोबारा लाए और चार मछलियों को दोबारा लाए। वो शार्क ने क्या करा कि दोबारा से उन चारों मछलियों को खा लिया। अब साइंटिस्ट बड़े ध्यान से देख रहे थे। अब साइंटिस्ट ने थोड़ा सा दिमाग रखा। साइंटिस्ट ने कहा कि बीच में कांच की अगर हम प्लेट लगा दें तब क्या चीज़ होती है। तो साइंटिस्ट से देखने के लिए बीच में कांच की प्लेट उन्होंने डाल दी, ताकि शार्क और बीच में जैसे ही कांच की प्लेट उन्होंने डाली तो शार्क इस साइड हो गई, चारों मछलियाँ इस साइड हो गई। अब क्या सीन हुआ कि शार्क को फिर से लगा ये मेरा भोजन है। अब वो फिर से स्पीड से उन चारों मछलियों की तरफ गई, लेकिन वो जा रही थी तो कांच की प्लेट उनके बीच में आ गई, उनके सिर में चोट लगी, वो पीछे आ गई। अब वो फिर बार बार कोशिश कर रही थी, उसको मार रही थी, बट उन्हें टूट नहीं पा रहा, बिकॉज शार्क को बहुत तेज भूख लगी थी। और जो साइंटिस्ट थे वैसे शार्कों को ला रहे थे जिनको भूख ज़्यादा लगती, जिनका पेट खाली हो। अब वो जो शार्क है ना, काफ़ी टाइम से उन चार मछलियों को देख रहे, चार मछलियाँ शार्कों को देख रहे, वो देख रहे थे ये क्या हो रहा है। और शार्क तेजी से उनके बार मछलियों की तरफ पास आए, लेकिन फिर से उनके टकरा जाए, फिर से पास है, फिर से वो टकरा जाए, फिर से पास है, फिर से वो टकरा जाए, करते 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 शार्क बैठ गए। दोनों शार्कों ने कहा कि मुझसे नहीं खाया जाएगा, दोनों ने कह दिया कि अब इसको हम नहीं खा सकते, क्योंकि बहुत ही पता नहीं कौन सी चीज़ ऐसी बीच में आ रही है, इसे खा ही नहीं सकते, चारों मछलियों को नहीं खा सकते। वो बैठ गए। अब साइंटिस्ट ने क्या करा जानना चाहो, साइंटिस्ट ने करा कि बीच में जो कांच की प्लेट है उसे गायब करा, मतलब उसको बाहर निकाल लिया। अब शार्क और चारों मछलियाँ सामने थी, कोई प्लेट नहीं थी बीच में, लेकिन फिर भी शार्क बैठी हुई थी, शार्क उन चारों मछलियों को निकाल दी। तो इस स्टोरी से आपको ये सीख मिलता है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है, बार बार आती है, नए रूप में आती है, तो हमें ना थक्के नहीं बैठ जाना कि यार अब तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, अब तो मैं लूजर हूँ, मैं पहली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया तो दूसरी क्या करूँगा, मैं दूसरी ही नहीं कर पाया तो मैं तीसरी क्या करूँगा। तो इससे ही हमें सीखने को मिलता है, जब भी लगी प्रॉब्लम आती है उसे टैकल किया करो, उसको सॉल्व किया करो। यू डोंट नो कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपकी सक्सेस का द्वार खुल जाएगा, यू डोंट नो। इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करो, बिकॉज अगर प्रॉब्लम ही नहीं होगी लाइफ में तो आप चैलेंजेस कैसे फेस करोगे, तो आप आगे लाइफ में बढ़ोगे कैसे। जब सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी नहीं, प्लेन ही होंगी, तो आप क्यों प्रेशर लगाओगे, क्यों आप अपना फोर्स लगाओगे। तो जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है उसे फेस करो, टैकल करो, जल्द से जल्द टैकल करो। और बहुत सारे लोगों को इस स्टोरी का मीनिंग समझ आ गया होगा। इस स्टोरी में से और आपने क्या क्या चीज़ें सीखी और ये कैसी आपको स्टोरी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को ना फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए हो चैनल पे, और इस वीडियो को ना मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दो जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।